नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, ये 3 दिन लगातार बारिश हुई है, ये डिप्रेशन हुआ है या जो चक्रवात आया है जावाद चक्रवात का बाद, ये 3 दिन लगातार बारिश हुई है। सर्दियों के हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और ये 3 दिन से ये पानी में, ओपन पानी में भीग रहे हैं, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि अंदर रख सके, तो ये काफ़ी भीग गया है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 5 टिप्स बताता हूँ कि बारिश के बाद, ज़रूरी नहीं कि अभी बारिश के बाद, जब अगर गर्मी में भी, फरवरी मार्च में भी लगातार 3-4 दिन बारिश हो, उसके बाद आपको पौधे बिल्कुल भीग गए तो इसमें फंगस अटैक होने का काफ़ी डर रहता है। तो मैं आपको 5 टिप्स बताता हूँ कि 5 टिप्स फॉलो कीजिए तो आप फंगस से पूरा बचा रहेगा और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, पहला टिप जो है, आप जितने भी पौधे ये भीग गए, यहाँ पर देखिए ये पौधे जो है, ये पिटूनिया के पौधे बिल्कुल बारिश में भीग गए और ये देखिए पानी में सड़ रहे हैं। जब भी आपके पौधे इस तरह से सड़ रहे हैं, फूल जब पड़े आपके फूल के सामने से, आप डीबडिंग कर दें, इस तरह से जो है इसको आप हटा दें। फूल जितने भी हैं, जितने भी आपको फूल की माया तय करके आपको इस तरह से हटा दें, और जो भी सरे हुए हैं फूल, ये देखिए यहाँ पर फूल के पत्तियाँ सर रही है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। इसको रखेंगे तो ये इसमें फंगस का अटैक आएगा, तो पूरे ये जो है दूर दूर तक हटा दीजिए। पत्ते भी जितने हैं, ये देखिए यहाँ पर पत्ते जो सरे हुए हैं, पत्ते को भी हटा दीजिए। पत्ते सरे हुए पत्ते यहाँ पर रहेंगे तो इसमें फंगस का अटैक आएगा, तो ये जो है ये करना जरूरी है। जितने भी है हमारे यहाँ देख रहे हैं, ये भी जो है हम इसमें डीबडिंग कर देंगे। जितने भी फूल है, अभी ज़रूरी नहीं है कि फूल लेना है आपको, ये देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारे। तो आपने जितने भी फूल हैं वो सारे आप हटा दीजिए यहाँ से, और उसके बाद कुछ चिंता की बात नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर देखेंगे आप बिल्कुल फूल से फिर से भर जाएंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर देखिए हमने काफ़ी सारे फूल ये ख़राब हो गए हैं, इधर से हमने हटा देते हैं, डीबडिंग करते हैं। वैसे भी आपको फूल हटाना ही था और बारिश में जब भीग गए हैं इसमें सड़ने का डर ज़्यादा रहता है, तो ये जो पहला काम है ये ज़रूरी काम है। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने बनाया है, इधर से देखिए ये हमको ये हटा देना है बिल्कुल, ये देखिए, और इसको भी हम हटा देंगे। इससे क्या होगा, इसमें आपका सड़न जो है या सड़ने का जो डर है ये नहीं रहेगा। तो ये पहला काम है, और पत्ते या फूल जितने भी है इसको डिबाइडिंग कर दे, ऊपर से पत्ते हटा देंगे तो ये सारे एक भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये पहला काम है आपको कर देना है। दोस्तों, दूसरा टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिट्टी में काफ़ी सारे फंगल का स्पोर हो जाता है, फंगस का स्पोर हो जाता है, उससे क्या होता है आपके पौधे खराब होने का डर रहता है। मिट्टी से जो रूट्स है तो रूट से आपको काफ़ी सारे फंगस आ जाते हैं और उस पौधे को जो बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, ये ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है या फिर ब्लू कॉपर का आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 2 या 3 लीटर पानी लें और उसमें करीब 3-4 ग्राम आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। ये ब्लू पाउडर आता है, ये देखिए इसको पानी में अच्छी तरह से घोल लें। घोलने के बाद ये देखिए ब्लू कलर के एक सॉल्यूशन बनेगा। आपको क्या करना है, जितने भी पौधे हैं आपके गमले में, जितने भी गमले में पौधे हैं उसको करीब 25 से 50 ml तक एक एक मिट्टी में आप डाल दें। ये जितने भी पौधे हैं उसमें ब्लू कॉपर डाल देंगे, जितने भी तरह के पौधे, यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन के पौधे की सीडलिंग बनाई है तो हमने यहाँ पर भी पानी थोड़ा थोड़ा डाल दें, 25 से 50 ml डाल देंगे। थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा भीगा रहना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डाल देंगे। ये आपको करने से क्या होगा, मिट्टी के नीचे से कोई भी फंगस है वो आपको नहीं आएगा। तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको नीचे से फंगस को मारेगा और आपको ऊपर से आपको कोई भी प्लांट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मिर्ची का पौधा है, ये भी हम डाल देते हैं, और ये एक बार ही आपको डालना है, बार बार नहीं डालना है। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा टिप्स है कि आप फोलियर स्प्रे क्या करेंगे। फोलियर स्प्रे के लिए आपको 2-3 चीज मैं बताता हूँ। पहले कि आप फोलियर स्प्रे में सबसे अच्छा है आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये है, इसका नाम है नेटिव हो, ये सिस्टमिक फंगिसाइड है। इसमें 50% टेबुकोनाजोल है, 25% ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन है। ये सिस्टमिक फंगिसाइड है और ये बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। इसके जो है मैंने इसके डब्बे में निकाल कर देखा है, ये दाना दाने लंबे लंबे थोड़े दाने से होते हैं। इसको आप लेना है करीब 1 ग्राम लेके स्प्रेयर में लेके, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इतना सा करीब 1 ग्राम लीजिए आप, इतना सा लीजिए लेके 1 लीटर पानी में आप लेके, इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा घुलने में, और आप जल्दीबाजी नहीं करें, 2 से 3 मिनट का टाइम दें, और जल्दीबाजी करेंगे तो इसका क्या है नोजल में अटक जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से इसको सेक कर लें, अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा।
उसके बाद पूरे पत्ते में आपको फोलियर स्प्रे कर देना है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जितने भी पत्ते हैं उसमें आपको फोलियर स्प्रे कर देने हैं। अच्छी तरह से करिए, अगर मिट्टी में भी कर सके तो मिट्टी में भी थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसमें क्या होगा, आपका जितने भी फंगस है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है और ट्रांसलेमिनर है, और ये काफ़ी जितने भी पौधे में हैं, सारे पौधे में जितने भी फंगस है, जितने भी स्पोर है, सारे को मार डालेंगे। जितने भी तरह के ओमाइसिटिस से शुरू करके जितने भी तरह के फंगस होते हैं, सारे को ये मार डालेगा। तो ये एक सबसे अच्छा नेटिव हो, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। थोड़ा अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए तो एक एमिस्टर आता है, एमिस्टर में एजोक्सिस्ट्रोबिन है, ये कॉम्पाउंड है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी सिस्टमिक कॉम्पाउंड है और ये काफ़ी सारा इफेक्टिव होता है। तो उसका लिक्विड आता है, थोड़ा गाढ़ा द्रवण आता है सफ़ेद रंग का, उसका आप 1 ml लेके 1 L पानी में देके स्प्रे कर सकते हैं। या तो आप नेटिवो स्प्रे करें या फिर एमिस्टर स्प्रे करें, ये दोनों काफ़ी अच्छा है। कोई भी आप एक लेके इसको सब पौधे में एक बार स्प्रे करें, और आज करने के बाद 3 दिन बाद फिर से एक बार करें, 2 बार आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पौधे जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगर आप चाहे तो फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, तो पानी में भी थोड़ा डाल सकते हैं। ये आप काम जरूर करिए। यह है तीसरा टिप, ये एमिस्टर का स्प्रे करें या फिर नेटिवो का स्प्रे करें। एमिस्टर मिले तो एमिस्टर अच्छा है, नेटिव हो तो नेटिवो भी अच्छा है, कोई भी एक स्प्रे कर दे। चौथा टिप, अगर आपको 4 से 5 दिन बाद जब ये पौधे सूख जाएंगे, धूप आने लगेगी बिल्कुल, तो आप दिन में सुबह या फिर शाम के वक्त आप इमिडाक्लोरोपिड, ये है कॉन्फिडर का, बायर का कॉन्फिडर, इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड है, काफ़ी इंसेक्ट्स पे अटैक होगा क्योंकि जब भी धूप निकलेगी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स पे अटैक होगा। तो आपको इमिडाक्लोरोपिड 1 ml पर लीटर लेके आपको स्प्रे कर देना है पूरे पौधे में। ये करना है 5 से 6 दिन बाद, जब बिल्कुल धूप हो जाए, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, उसके बाद आपको स्प्रे कर देना है, ताकि आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं आए। तो आपको ये ज़रूर से करना है। 5वां टिप्स, बहुत ज़रूरी टिप्स, आप इसमें कोई भी तरह का खाद वगैरह मत दे, आपको कोई भी तरह खाद नहीं दे, ना ही आपको इससे कोई गुड़ाई टाइप का कुछ गुड़ाई नहीं करे आपको इसमें, गुड़ाई करेंगे या खाद देंगे, कम से कम 10 दिन तक आपको कोई खाद नहीं देना है और ना ही कुछ को गुड़ाई करना है, कुछ नहीं करना है, इंटेक्ट जैसा है वैसे करना है। कोई भी काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सिंथेटिक कोई भी कंपाउंड या फिर अमाइनो एसिड, फल्बिक एसिड कुछ भी मत दे इसमें। इससे क्या होगा, पौधे बिल्कुल अभी तक तो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, 10 दिन बाद जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए उसके बाद कोई खाद देना चाहे, सरसों की खली या और कोई खाद देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये 5 टिप्स फॉलो कीजिए, आपका एक भी पौधा, दावा करता हूँ कि एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। सारे पौधे को हम डीबडिंग कर दिए, देखिए सारे कलियाँ जो थी, सारे जो फूल खिले थे सारे हटा दिए, और सारे में फंगिसाइड डाल दिया हमने, और ये देखिए पूरा रेडी हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।